दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे नए कोर्सेज जो कि आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं 2018 में या फिर अगर आप 2019 में करना चाहते हैं। देखिए आप लोगों ने आई एम श्योर इंजीनियरिंग और डॉक्टर का तो कोर्सेज का नाम सुना ही होगा। सभी वीडियोज में आप यही सारी चीजें देखेंगे जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज चले आ रहे हैं जो कि आप कर ही सकते हैं। पर दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि आपके लिए एक ऑप्शन रह सकते हैं अगर आपने अपनी 12th साइंस से पास आउट किए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नए कोर्सेज बताऊंगा जिनकी फीस भी बहुत कम है और उनको करके आप एक अच्छी खासी सैलरी भी कमा सकते हो और कॉम्पिटिशन भी जो इतना नहीं है उसमें, और आई एम श्योर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये कोर्सेज के बारे में पता नहीं रहता। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं टॉप 10 ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। इन कोर्सेज की खासियत यह है कि इनकी फीस बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग और MBBS। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें आप जो है सैलरी अच्छी खासी कमा सकते हैं इनिशियल लेवल पे, और आने वाले समय में भी इसकी जो है बहुत ग्रोथ और डिमांड है। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीडिया और जर्नलिज्म का कोर्स। मीडिया और जर्नलिज्म एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप देखें टीवी पे जो भी एड्स वगैरह चलते हैं उसमें मीडिया और जर्नलिज्म के कोर्सेज के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिमांड रहती है। साथ ही साथ अगर प्रिंट मीडिया हो गया जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं उसमें डिमांड रहती है, ऑनलाइन मीडिया हो गया उसमें डिमांड रहती है। तो एक मीडिया में एक बहुत आपका वास्ट करियर हो सकता है, जैसे कि आपको एडिटर बनना है या फिर आपको जो है राइटर बनना है, और भी बहुत सारे इसमें जो है प्रोफाइल्स होती है जो कि आप चूज कर सकते हैं। 3 साल की डिग्री होती है इसकी अगर आप करते हैं अपनी 12th साइंस के बाद। लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने साइंस ली है तब भी आप जर्नलिज्म और मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी डिग्रीज आपको इसमें मिल जाती है, BSc इन मीडिया मिल जाती है, इसके अलावा BGMC मिल जाता है, और भी बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिस भी आप शहर में रहते हैं। आप सर्च करेंगे मीडिया कोर्सेज आफ्टर 12th तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम भी इस पर एक वीडियो बना देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है फिल्म और टेलीविजन के कोर्सेज। अब देखिए ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिल्म लाइन में सिर्फ काम होता है एक्टर्स का। एक्टर्स तो एक प्रोफाइल है ही है जो कि आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद बन सकते हैं अगर आपकी इच्छा एक्टिंग में है। साथ ही साथ टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, एडिटर्स की जरूरत होती है, डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, तो इससे रिलेटेड पूरे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप जो है बहुत सारे स्कूल्स है इसमें इसी टेक्निकल लाइन से रिलेटेड उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के बाद आप उसमें अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। डिग्रीज तक भी अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हैं अपनी 12th साइंस के बाद, और इसको करके दोस्तों आप जो है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली में भी हो सकता है प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता है, कोलकाता अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई अप्लाई कर सकते हैं, बैंगलोर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आज की डेट में तो वेब सीरीज़ का भी ज़माना है, तो आप लोगों के लिए जो है इसके लिए मार्केट पूरा भरा हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीविजन इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है अगर आप जो है फिल्म और टेलीविजन के कोर्सेज जो है कर लेते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से लाइन में जाना चाहते हैं। आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप जो है एडिटर बनना चाहते हैं, आप जो है डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट का ये मानना होता है कि यार फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जो होते हैं वो वही कर सकते हैं जिन्होंने आर्ट्स लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कोर्सेज जो है वो सभी स्ट्रीम के लिए ओपन है। अगर आप करना चाहें तो ये भी एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है डिफेंस। डिफेंस में अगर आप जाना चाहें, यानी कि आप नेवी में जाना चाह रहे हैं, आर्मी में आना चाह रहे हैं, एयरफोर्स में आना चाह रहे हैं, तो डिफेंस का कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। 12th के बाद आप NDA का एग्जाम देके इसमें जो है अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाता है वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपर। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि अगर हमने साइंस ली है तो अगर हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है तो हमें सिर्फ BTech करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारी डिग्रीज है जिससे आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ऐप डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज की एग्जाम्पल देखिए बताऊँ तो मैं आप BSc IT कर सकते हैं, साथ ही साथ BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं जो कि 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा आप BCA कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। और इसको करने के बाद
दोस्तों आप जो है अपनी खुद की वेब डेवलपमेंट कंपनी खोल सकते हैं, ऐप वगैरह बना सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिनको वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये रह सकता है। 6th नंबर पे आ जाता है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का कोर्सेज। एनिमेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आप अपनी 12th साइंस के बाद कर सकते हैं, अगर आपका दिल है, अगर आपका इंटरेस्ट है मल्टीमीडिया और एनिमेशन में जाने का। अब लोग सोचते हैं इसमें क्या करियर हो सकता है यार, बट मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितनी भी मूवीज प्रोड्यूस होती है आज की डेट में ज़्यादातर मूवीज में VFX यूज़ हो रहा है, स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ होते हैं, तो ऐसे में जो है मल्टीमीडिया और एनिमेशन की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने और डिटेल में ज़्यादा जानना है कोर्सेज वगैरह के बारे में तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एनिमेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। 7th नंबर पर आ जाता है फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज। बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिनकी इंडिया में काफ़ी डिमांड रहती है, चाहे वो एम्बेसीज में हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में हो, तो ऐसे में अगर आप वो लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी जॉब लग सकती है। देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस है जैसे कि चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होगी आई एम श्योर। अगर आप उनको सीखते हैं आप कोई भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कर सकते हैं, इसमें तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है करने को। उसको करने के बाद आपकी जो जॉब है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में लग सकती है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एम्बेसीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको विदेश वगैरह जाने का भी मौका मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो डिमांड है ना वो काफ़ी अच्छी है, लोगों को इतना पता नहीं है इसके बारे में तो लोग इस चीज़ को करते नहीं है। इसमें शर्त यह है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको वो लैंग्वेज में आपकी अच्छी डिमांड होनी चाहिए, उसमें आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी लैंग्वेज है हिंदी, हम जैसे बोल रहे हैं आपके साथ, वैसे ही अगर आप जो है उस लैंग्वेज को बोलते हैं, आप उसमें जो है पूरे कम्प्लीटली घुस चुके हैं, आपको सारी चीज़ अच्छे से आती है, तो आप लैंग्वेज सीखकर भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के बारे में। तो 8वें नंबर पे आ जाता है हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज होती है, डिप्लोमाज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद। देखिए इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे शादी के फंक्शन हो गए, या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, या फिर कोई जो है बर्थडे पार्टीज, या और भी बहुत सारे इवेंट्स जो है हमारे देश में होते रहते हैं रोज, ठीक है। अब ऐसे में जो है बड़ी बड़ी पार्टीज होती है तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे पूरा इवेंट मैनेज होगा। ऐसा तो नहीं है अगर आप छोटा फंक्शन करते हैं तो आप उसको अपने लेवल पे भी मैनेज कर लेते हैं, बट अगर आप एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं जिसमें 1000 लोग आने वाले हैं, 500 लोग आने वाले हैं, तो उसमें आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका देख रेख होता है खाने से लेकर डेकोरेशन से लेकर सारी चीज़ों का देखभाल करना। तो ऐसे में अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप इनिशियल डेज में क्या कर सकते हैं, आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो है पहचान बन जाती है मार्केट में, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो आपके आने वाले समय में आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल लें, एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। पैसे की कोई इसमें कमी नहीं रहती, पैसा भी आप अच्छा कमा लेंगे अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो था इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। 9वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है टूरिज्म एंड ट्रैवल के कोर्सेज। टूरिज्म एंड ट्रैवल में भी बहुत सारे डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी 12th को कंप्लीट करने के बाद। टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया, अपनी आप ट्रैवल कंपनी खोल सकते हैं कि भाई अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको सारे अरेंजमेंट करके देना। देखिए हमारे देश में ऑनलाइन चीज़ें आ गई है, बट आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन का मार्केट और ऑफलाइन का मार्केट, तो आज की डेट में भी इंडिया में जो ऑफलाइन का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट शेयर ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा है, बट वो बिखरा हुआ है, आप समझ सकते हैं मेरी बात, बिखरी हुई चीज़ें हैं, ऑनलाइन ने वो सारी चीज़ें एक कर दी है। तो ऐसे में अगर आप अपनी एक जो ट्रैवल कंपनी खोलते हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं, टूरिज्म कंपनी खोल लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी डिमांड रह सकती है। अगर आप अपनी इसमें स्टडी करते हैं किस तरीके से काम होता है, बिजनेस होता है, वो सारी चीज़ें आप जो है इन कोर्सेज में सीखते हैं, तो आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद ये कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। 10वें नंबर पर आ जाता है कैबिन क्रू और एयर होस्टेसेस के कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं 12th के बाद। कैबिन क्रू में एज अ कैबिन क्रू मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिल सकता है इन कोर्सेज को करने के बाद। मतलब इसमें आपकी सैलरी एक अच्छी खासी हो सकती है, अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में आपकी जॉब लग जाती है तो आपको दुनिया घूमने का भी मौका मिल सकता है। देखिए हर फ्लाइट में कुछ कैबिन क्रू के मेंबर होते हैं, एयर होस्टेसेस वगैरह होती है, तो ऐसे में जो है इनकी एक अच्छी खासी डिमांड है। और इन कोर्सेज को करने के बाद 12th के बाद आप सर्च करेंगे गूगल पे कैबिन क्रू के कोर्सेज तो आपको मिल जाएंगे। उन कोर्सेज को करने के बाद जो है आपकी एक अच्छी खासी जॉब भी लग सकती है, साथ ही साथ अगर
आपका एम है दुनिया घूमना तो वो भी आप कर सकते हैं। कोर्सेज जो होते हैं वो एक साल के होते हैं, डेढ़ साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज दो साल के भी होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो छः महीने के होते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। आप सर्च करें, आपको ज़रूर मिल जाएंगे। डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिखना, मैं डिटेल पर भी वीडियो बना दूंगा कोर्सेज से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, जो भी हमने 10 कोर्सेज आपको बताए उनसे रिलेटेड किसी भी चाहिए तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और जिन टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो बने हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया दिया, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को जाके जरूर चेक करें, आपकी हेल्प जरूर होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ वो 10 कोर्सेज जो कि आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। देखिए इंजीनियरिंग और डॉक्टर तो आपके पास ऑप्शन रहता ही रहता है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी सभी में है, ऐसा कुछ नहीं होता। 12th के साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि यार अगर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट इंजीनियरिंग करके भी अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस से इंजीनियरिंग भी कर लेते हो तो आप क्या उखाड़ लोगे। जो चीज़ें मैंने देखी है, जो चीज़ें मैंने लोगों के साथ होते हुए देखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग भी अगर आपने घटिया कॉलेज से की है तो बिलीव मी उसका कोई भी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ज़्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती क्योंकि हमारे देश में इंजीनियरिंग की हालत इतनी ख़राब है, अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए अगर अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की जॉब नहीं लगती तो उसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की तो गलती होती ही होती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसकी जॉब कैसे लगेगी, उसको स्किल्स नहीं आते तो उसकी जॉब कैसे लगेगी। पर साथ ही साथ इसमें जो है सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती, हमारा जो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है वो इतना आउटडेटेड हो चुका है, वो इतना पुराना हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी समय के साथ दिन दिन बढ़ रही है, दिन दिन नहीं आ रही है। तो अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पुरानी हो चुकी है और उसका जो रियल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई से स्टूडेंट की ग्रोथ नहीं रह पाती, फिर वापस से वो जो है इंजीनियरिंग करने के बाद वो सारी चीज़ें सीखता है जो कि उसको सीखनी चाहिए थी अपनी इंजीनियरिंग के दौरान। तो देखिए आप उसका कितना टाइम वेस्ट होता है और जो है उसका पैसा भी बर्बाद होता है। तो ऐसे में जो है दोनों ही चीज़ें होती है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती है किसी भी स्टूडेंट को। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो पैसा भी लगाओगे, 4 साल लगाओगे, उसके बाद उस चीज़ को करने के बाद अगर आपकी जॉब ना लगे ढंग की तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलती है, मजबूरी में वो इंजीनियरिंग करके भी वो जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इससे अच्छा ये रहता है कि हमें वही कोर्स करना चाहिए 12th को करने के बाद जिसमें जो है भीड़ कम है। अगर आप देखें इंजीनियरिंग में बहुत भीड़ है, हर दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग ही कर रहा होगा साइंस के बाद, ठीक है। तो आपको भीड़ चाल में नहीं जाना है, आप लोगों ने अल्टीमेटली वो चीज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें भीड़ भी नहीं है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें लोग ज़्यादा जाते भी नहीं हैं, तो आप जो है इनमें अगर अपना करियर बनाते हैं तो आपकी एक डिमांड भी रहेगी। अगर आप काम करना सीख जाते हैं, अगर आप जिस भी कोर्स को करते हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें आती है, स्किल्स आती है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छी खासी सैलरी आपकी लग सकती है, इवन आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। ये भी चीज़ें जो है आपके लिए ओपन है, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे और खुलते जाते हैं। तो दोस्तों आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, कुछ नया समझाने की, पूरी हुई होगी। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, व्हाट्सएप में शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, जिन जिन ग्रुप्स में जहां जहां पे भी आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स पे अकाउंट है वहां वहां शेयर करना, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बातें पता लगे और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सके। तो जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आने वाले समय में आपको 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसके अलावा 12th आर्ट्स के बाद कौन कौन सी नए कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बना के दे दूंगा वीडियोस के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप हमारी जो कोशिश थी कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ सकते हैं। आपको कैसा ही लगा वीडियो ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पर लिख के। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।